हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या करें, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से देखिए क्या करा है। राइट लास्ट टू डिजिट ऑफ द नंबर 3 का पावर 400। जैसे 3 का पावर 400 करेंगे ना, यानी 3 × 3 × 3 × 3 × 400 टाइम्स, तो जो आएगा वैल्यू, जो नंबर आएगा उसका लास्ट का टू डिजिट क्या हो सकता है। तो देखिए, हम लोग वैसे नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना। इसमें हम लोग बाइनोमियल का यूज करके ही करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर और पावर में यहाँ 200 कर देते हैं, यानी कि अब ये हो जाएगा 9 का पावर 200। अब 9 को चाहो तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हो 10 − 1 का पावर 200, ऐसे कर सकते हैं। तो अब इसको एक्सपेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको एक्सपेन करेंगे तो हो जाएगा 200 C 0, 10 का पावर 200, 1 का पावर 0 −200 C 1, 10 का पावर 199, 1 का पावर 1 +200 C 2, 10 का पावर 198 और 1 का पावर 2, फिर −200 C 3, 10 का पावर 197 और 1 का पावर 3। इसी तरह से टर्म्स आएंगे, इसी तरह से टर्म्स आएंगे, और ऐसे ये लास्ट में जो होगा, लास्ट में वह क्या होगा, 200 C 200, और यहाँ पर 10 का पावर 0 और 1 का पावर 200 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा जिसको एक्सप्लेन करने पे, है कि नहीं। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या, इसके पहले वाला एक अगर टर्म चाहे तो यहाँ होगा 200 C 199, 10 का पावर 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस रहेगा बाहर, ठीक है, 1 का पावर 199, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अगर आप आगे देखें, चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 10 to the power 200, बाकी तो 1 ही हो जाएंगे, −200 C 1, इसी तरह रहने देते हैं इसको, और यहाँ 10 to the power 199, फिर +200 C 2, 10 to the power 198 करते हैं, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर −200 C 3, 10 to the power 197, फिर आगे ऐसे ही −200 C 199 का यहाँ 200 और इनटू में 10 और प्लस इसका सॉल्व करने पे 1। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में हम लोग 100 कॉमन कर सकते हैं, समझ गए। यहाँ बच जाएगा आपका 10 का पावर 198 −200 C 1, 10 to the power 197 +200 C 2, 10 to the power 196 −200 C 3, 10 to the power 195, है ना। ऐसे चल के कहाँ तक, ये यहाँ पे 100 निकलेगा तो यहाँ पे 2 और इंटू में 10 और बाहर है +1। तो देखिए यहाँ जो जो भी अंदर आएगा वैल्यू, उसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर जो भी वैल्यू आएगा कोई नेचुरल नंबर आएगा, है ना जी, नेचुरल नंबर। तो उस नेचुरल नंबर से अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेचुरल नंबर आएगा उसमें, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 2 जीरो लग जाएगा, और 2 जीरो लग जाएगा और +1 जब ऐड होगा तो लास्ट में क्या आएगा, अगर समझिए यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है, 100 से इंटू का, लास्ट में 2 जीरो आ गए, और प्लस जब 1 एडिट होगा, ऐड होगा, तो लास्ट में अगर 2 डिजिट देखेंगे तो 0 एंड 1 ना होगा जी। तो हेंस लास्ट टू डिजिट ऑफ द नंबर 3 का पावर 400 इज 01। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ